गाइस, ये जो प्रोडक्ट का आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, आप देख सकते हो जेब्रोनिक्स का कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो है। इस प्रोडक्ट को लगभग मैं 10 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, लगभग 10-12 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी मेरे को अच्छा लगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसका प्राइस बता देता हूँ और यहाँ पे चलिए इसका अनबॉक्सिंग करता हूँ। इसके बारे में कुछ बताऊँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी 10-12 दिन से यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे पता है इसके बारे में। तो इसका प्राइस जो है 769 रुपीज़ है और 769 रुपीज़ में कीबोर्ड एंड माउस मिल जाता है आपको कॉम्बो, तो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही चीप प्राइस का है और इसका बिल्ड क्वालिटी भी मुझे काफ़ी तगड़ा लगा। आपको मैं वीडियो के आगे बताऊँगा, आप मैं दिखाऊँगा जो भी आपको है, आप वीडियो में पूरा बने रहिए। तो चलिए फटाफट से इसको सील पैक जो लगा है उसको काट लेते हैं और काटने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ इसके अंदर कैसा क्वालिटी है और जो भी माल मसाला है वो आपको मैं दिखा दूंगा। तो चलिए फटाफट इसको ओपन कर लेते हैं। इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो पैकेजिंग है वो काफ़ी मतलब बेकार है क्योंकि टेढ़ा सा हो गया है, आप देख सकते हो। और चलिए देखते हैं, मतलब कीबोर्ड वर्किंग तो कर रहा है आई होप। और यहाँ पे कीबोर्ड हल्का सा टेढ़ा हो गया है, मैं आपको दिखा दूँ इसके यहाँ पे, आप देख सकते हो थोड़ा सा आपको टेढ़ा सा फील हो रहा होगा आई होप। तो चलिए हल्का सा इसको मैं सीधा कर लेता हूँ, आप देख सकते हो आपको फील हो रहा होगा हल्का सा टेढ़ा है। तो चलिए इसको मैं सीधा पहले कर लेता हूँ और सीधा करने के बाद चलता है या नहीं, चल रहा है आई होप। तो चलिए मैं इसको अभी यहाँ पे बटन वगैरह सारे दबा रहे हैं, बट यहाँ पे जेब्रोनिक का जो लिखा है ना, यहाँ पे ये ब्रांडिंग है, ये बटन नहीं है कोई भी। तो यहाँ पे इसमें बैटरी लगता है इधर, चलिए मैं बैटरी भी दिया गया है इसके अंदर और आपको माउस को भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला माउस है इसका, अभी मैं इसको प्लास्टिक से सील से काट लूँगा। पहले मैं आपको जो बैटरी का है वो बैटरी दिखा देता हूँ, इसके अंदर बैटरी भी दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो TC बेस्ड कंपनी का बैटरी दिया गया है, आपके सामने ही है। चलिए पहले माउस को खोल लेते हैं, उसका आपको दिखाता हूँ माउस का क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी और पकड़ने में और कैसा है फील आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माउस जो है काफ़ी मेरे को बड़ा लगा क्योंकि मैं इसके पहले छोटा माउस यूज़ करता था। मैं वो भी माउस आपको दिखाऊंगा जो मैं इसके पहले यूज़ करता था, क्वांटम कंपनी का मैं यूज़ करता था, वायरलेस माउस यूज़ नहीं करता था, तार वाला माउस यूज़ करता था मैं इसके पहले। चलिए मैं इसको पहले इसमें जो भी बैटरी है फटाफट से बैटरी को लगा लेते हैं और बैटरी को लगाने के बाद ऑन होता है या नहीं वो आपको तो पता चल ही जाएगा। और ऑलरेडी आपके पास दिमाग है, कॉमन सेंस है, तो आपको पता चल गया होगा कि ऑलरेडी ये वर्किंग है क्योंकि इसके पहले मैं यूज़ करता था यार। तो यहाँ पे चलिए बैटरी को लगा लेता हूँ फटाफट से। बैटरी को लगाने के बाद यहाँ पे इसको लैपटॉप में लगा के ऑन करके आपको चालू करके दिखाऊंगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं बहुत अच्छा अच्छा व्यू डालता हूँ ऐसे ही, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए फटाफट से यहाँ पे आप देख सकते हो साइड का कुछ ऐसा आपको बटन से दिखाई देता है इसका बटन, और ऊपर से काफ़ी तगड़ा मेरे को लगा, काफ़ी मतलब सच बताऊँ तो प्रीमियम जैसा मेरे को लगा। ऐसा कुछ खास नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसका प्राइस आपको लग रहा होगा कम है तो आपको प्रीमियम नहीं लगा होगा, ऐसा नहीं है, बट काफ़ी अच्छा था मेरे को लगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डोंगल है इसके ऊपर कोई भी ब्रांडिंग नहीं है जेब्रोनिक्स का, आपके सामने है। और चलिए फटाफट से इसका टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं लगा दिया हूँ और मुझे लग रहा था जल रहा है इसके अंदर लाइट, तो लाइट नहीं जल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आप चेक करते हैं, लैपटॉप पर लेके चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कैसा होता है। और पकड़ने मेरे को काफ़ी बड़ा लगा सच बताऊं तो, पहली बार तो काफ़ी बड़ा लगा था क्योंकि मैं इसका पहले छोटा यूज़ करता था, आपको बता ही दिया हूँ। अब चलिए फटाफट से चलते हैं लैपटॉप पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा लैपटॉप है ये वाला डेल E6420 और ये वाला मैं पहले कीबोर्ड यूज़ करता था जो कि वायर्ड कीबोर्ड है, और यहाँ पर आप देख सकते हो क्वांटम कंपनी का है और क्वांटम का माउस भी है। और इसका मैं अनबॉक्सिंग नहीं किया हूँ क्योंकि मैं इसको ऑफलाइन मार्केट से ख़रीदा था, 150 रुपये के हाँ 140 रुपये का कीबोर्ड है और 150 रुपये का माउस है आसपास। अभी मैं ये वाला जो कीबोर्ड एंड माउस है इसको मैं यूज़ करूँगा, मेरे पास दो लैपटॉप है तो दोनों के लिए दो चाहिए ना, तो इसीलिए मैं अभी मेरा कीबोर्ड ये वाला है और एक वायरलेस वाला है, तो मैं इसमें वायरलेस वाला यूज़ करूँगा डेल वाले में और उसमें मेरा कीबोर्ड ये वाला चलेगा तार वाला, तो आप समझ सकते हो। तो चलिए फटाफट से इसको लगा लेते हैं और आपको चालू करके दिखाता हूँ चल रहा है या नहीं। तो चलिए इस वीडियो में पूरा बने रहिए, आप ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं खींचूंगा, 6 मिनट 36 सेकंड का वीडियो है तो बने रहिएगा पूरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इसका जो माउस है उसको ला लिया हूँ, यहाँ पे माउस मेरे को हल्का सा बड़ा फील हुआ क्योंकि मैं इसके पहले आपको दिखाया अभी छोटा सा माउस मेरा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें डोंगल लगा दिया हूँ मैं, और लगाने के बाद कोई भी कुछ भी नहीं करना है, सिंपल डोंगल लगाना है और आपको माउस यूज़ करना है,
इसमें कोई भी ड्राइवर वगैरह कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक बटन कोई भी दबाना है, उसके बाद माउस ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हो मेरा माउस ऑन हो चुका है। अभी यहाँ पे मैं डिस्प्ले पे मतलब जो कर्सर हिला रहा हूँ वो चल रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हो माई कंप्यूटर ओपन कर लिया हूँ, और कोई भी यहाँ पे एक फोल्डर को खोल के आपको दिखाता हूँ, कट करके दिखाता हूँ। चल रहा है, बेसिकली माउस चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो। और माउस एवरेज चल रहा है, इसका जो स्पीड है वो काफ़ी एवरेज है, उसको बढ़िया नहीं बोल सकते हैं, एवरेज बोलेंगे, 60 हर्ट्स के आसपास होगा, 50 हर्ट्स आई होप दे रहा होगा, तो सही है एवरेज है। कीबोर्ड भी वर्क कर रहा है, आप देख सकते हो मैं कीबोर्ड पे टाइप कर रहा हूँ तो कीबोर्ड वर्क कर रहा है, सारे के सारे बटन यूज़ कर मतलब वर्क कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसमें एक खास बात और है, आपको मैं इसका जो बटन है उसको निकाल के दिखाता हूँ, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आपको मैं बटन को निकाल के दिखाता हूँ, इसका अगर गंदा हो जाता है मतलब कचरा धूल मिट्टी जम जाता है तो आप इसके बटन को निकाल करके और वापस यहाँ से सफाई करके वापस इस बटन को लगा सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं बटन को निकाल लिया हूँ, कंट्रोल का बटन है तो इसको मैं निकाल लिया हूँ, कंट्रोल बटन, और यहाँ पे वापस इसको लगाने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ अंदर का मैकेनिज्म कुछ ऐसा है। तो चलिए फटाफट से इसका जो बटन है उसको लगा देता हूँ। और गाइस बस इस वीडियो में इतना ही था, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाय।